रतन टाटा जी के निधन से मैं बेहद दुखी हूं। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध भी थे और मैंने उनको जब भी वो राष्ट्रपति भवन में मिलते थे, उनकी विनम्रता और सादगी से मैं कभी नहीं कह सकता था कि वो देश के एक प्रसिद्ध उद्योगपति, बल्कि उनको मैं एक नेक इंसान मानता था। वो उद्योग जगत और दूसरी चीजों से भी ऊपर उठ करके थे। यही उनकी विशेषता मुझे लगता है हर देशवासी को बहुत प्यारी लगती है। आज सचमुच में पूरा देश उनकी सेवाओं के लिए, जो उन्होंने किया है देश के लिए, आर्थिक प्रगति में, देश की पहचान बनाने में, इन सब के लिए राष्ट्र आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। रतन जी, जैसा कि उनके माता पिता ने उनका नाम रखा, वो सचमुच में एक अनमोल रत्न थे। उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। मुझे लगता है कि मेरे जब भी मिले, राष्ट्रपति भवन में मिले, लेकिन वो उन्होंने एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस दुनिया में आते हैं और वो अमर हो जाते हैं।